मेजरगंज इलाके में बुधवार की दोपहर 12:30 बजे बाइक सवार 5 बदमाश भरत जी सोनी की दुकान में घुस गए थे। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 2 करोड़ के सोनी चांदी के जेवरात और रुपए लूट लिए थे। इसके बाद वो बैग में जेवर रुपए भरकर फरार हो गए। घटना के दिन दुकान के अंदर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसमें बदमाश दुकान के अंदर सामान समेटते दिखाई दे रहे थे। वहीं कुछ देर बाद 4:05 का एक दूसरा फुटेज भी सामने आया। ये फुटेज दुकान के बाहर का है। इस फुटेज में एक बाइक पर 2 जबकि दूसरी बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश दुकान के बाहर बाइक खड़ी करते नजर आ रहे हैं। पहले एक बदमाश दुकान के अंदर दाखिल होता है, इसके बाद उसके पीछे 3 और पहुंच जाते हैं। इसके बाद हेलमेट पहने एक और बदमाश अंदर आता है। सभी बदमाशों के अंदर पहुंचते ही मुंह पर लाल गमछा बांधे एक बदमाश तेजी से बाहर आकर बाइक की डिग्गी से झोला निकालता है। पास की दुकान से गुलाबी शर्ट पहने एक शख्स अनहोनी की आशंका पर बाहर निकलता है। गुलाबी शर्ट वाला शख्स दुकान के सामने जाकर माजरा जानने की कोशिश करता है। इसके बाद ज्वेलर्स से सटी इसी दुकान से अन्य लोग भी जिस दुकान में अंदर लूट हो रही होती है उसके सामने पहुंचते हैं। बाहर से ही देखकर सभी लोग लौट आते हैं। इसके बाद 2 अन्य लोग ताक झांक करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक बदमाश बाहर निकलता है, वो बाइक को स्टार्ट करता है। इसके बाद साथियों का इंतजार करता है। इसके बाद एक बदमाश जेवरात नकदी से भरा झोला लेकर उसकी बाइक पर बैठ जाता है। इसके बाद हेलमेट गमछा पहने दूसरा बदमाश भारी बैग को खींचकर बाइक तक लेकर जाता है। इस बीच दूसरी बाइक पर बैग के साथ पीछे बैठा बदमाश उतरकर भारी बैग को उसकी बाइक पर पीछे रख देता है। इस बीच तीसरा बदमाश बाहर निकलता है। कुछ ही देर में सभी बदमाश बैग लेकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद दुकानदार शोर मचाते हुए उनके पीछे भागता है। घटना के बाद आसपास के दुकानदार भी हैरान हैं। व्यापारियों का कहना है कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। चौक सुल्तानपुर का सबसे बड़ा, यहाँ ना फोर्स लगती है ना कुछ लगता है, और यहाँ इतनी बड़ी घटना हो रही है, कौन सुरक्षित है? इसकी तुरंत जांच करके तुरंत इसकी खुलासा होना चाहिए, इसीलिए लोग दुकान बंद करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम कुमार सोनी है, श्याम ज्वेलर्स से हमारी दुकान है। इस चौक का जिम्मेदार किसे मानते हैं? घटना आप चौक में सरेआम हो रहा है, क्या सुरक्षा रहेगी? डकैती के दौरान उन्होंने कुछ सतर्कता जरूर दिखाई, दुकान के सामने तक कई बार पहुँचे भी, लेकिन हालात को भांपने में नाकाम रहे। अगर उन्हें दुकान के अंदर हो रही डकैती के बारे में सही अंदाजा लग गया होता तो वो पुलिस को कॉल कर सकते थे, इससे बदमाश मौके पर ही पकड़ लिए जाते। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।